हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोशन मो, लर्न टुडे बेटर टुमारो। तो लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग पहले बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, तो हम लोग ने पार्ट वन पहले कवर कर चुका है। तो गाइस प्लीज, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज उसे जरूर देखें। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कोडिंग डिकोडिंग पार्ट टू। तो इसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, पिछली लेक्चर के अंदर तो हमने क्या बात करी थी, अल्फाबेट सीरीज और उनके अपोजिट पेयर्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की। आज हम लोग बात करेंगे दूसरे तरह के सवाल, जो कि ऐसे पूछता है, इफ This line is coded as this, if like this is coded as this, तो वो इनमें से किसी का भी कोड पूछ लेगा उठा के, या फिर एक लाइन बना देगा इनसे रिलेटेड ही कुछ, उसका कोड पूछेगा। तो गाइज हम लोग को जिसपे फोकस रखना है वो है हाउ या वॉट पे। क्या पूछेगा, हाउ विल दिस बी कोडेड एज या वॉट विल बी कोडेड एज। हाउ दिस विल बी कोडेड एज एंड वॉट दिस विल बी कोडेड एज, दोनों के अंदर अंतर आता है, क्वेश्चन आएगा जब बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, गेन इज लॉस का है, इज कोडेड एज GERPPETM, इज लिमिट नो पेन इज कोडेड एज PJSMKIT, द स्काई पेन लिमिट इज कोडेड एज HOJSGEIT, द स्काई इज लिमिट इज कोडेड एज HOPEGEIT। तो इसकी गाइस मैं एक आप लोग को छोटी ट्रिक बताता हूँ, जो मेरे को पर्सनली खुद भी बहुत अच्छी लगती है, उससे सवाल बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखो वो क्या कहती है, इसके अंदर हम लोग को कुछ नहीं करना, ये है हम लोग इसको एज इट इज सबसे पहले लिख देते हैं इन चारों स्टेटमेंट्स को, ठीक है। गेन इज लॉस का है, दूसरा क्या है, इज लिमिट नो पेन इज यहां पे आ रहा है, ये मैंने यहां पे लिख दिया, और लिमिट नो पेन मैंने यहां पे लिख दिया, लिमिट नो पेन, ठीक है। नेक्स्ट द स्काई पेन लिमिट, यहां पे आएगा द स्काई पेन लिमिट, और अगला क्या है, द स्काई इज लिमिट, द स्काई इज लिमिट, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, दूसरे टाइम ये लिखा, ये एज इट इज यहां पे भी उतार देना है, देखते हैं। देखो GERPPETM, पी रिपीटेड है, पीई मैंने लिख दिया, JSMKIT, हो JSGEIT, हो नया वर्ड आ गया JSGEIT, HOPEGEIT, HOPEGEIT, ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब उसके बाद देखो ये क्या है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ लाइन में कॉमन आ रहा है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। अब इसमें से देखो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में कौन सा कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या कोड हो गया, पीई, ठीक है। नेक्स्ट स्काई, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ के अंदर कॉमन आ रहा है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, देखो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो दैट मींस दिस स्टैंड्स फॉर GE। नेक्स्ट लिमिट का देखेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों के अंदर कॉमन आ रही है लिमिट, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो देखना सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर ये कॉमन आ रहा है, तो लिमिट का क्या हो गया, IT हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं पेन, पेन किस में कॉमन आ रहा है, सेकंड और थर्ड के अंदर, सेकेंड और थर्ड के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, JS, दैट मीन्स दिस स्टैंड्स फॉर JS। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द, द किस किस के अंदर आ रहा है, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, हो, तो मतलब ये क्या हो गया, हो। अब जो बच गए, क्या क्या बच गया, अपना RP और TM, और अपना इधर क्या बच गया, गेन और लॉस, मतलब गेन और लॉस के अंदर RP या फिर TM आ सकता है, ये हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा आएगा। तो सबके कोड मिल गए हमको, इसका कोड हो गया PE, स्काई का कोड हो गया GE, इसका IT, इसका JS, इसका O। तो देख कितना जल्दी हम लोग के सवाल सॉल्व हो गए। एक और सवाल करके देखते हैं, दूसरा सवाल है, जब हम लोग नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, इसके अंदर क्या बोला है, राम इज पुअर इट इज कोडेड एज TME NO, दैट इज होम इज कोडेड एज PNO BE, माई होम इज कोडेड एज 2B, देन वॉट विल बी दी कोड फॉर दैट, मतलब दैट वर्ड का क्या कोड होगा। तो हम लोग ने जो ट्रिक लगाई थी वो लिखते हैं, इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, देखो
राम इज पुअर दैट इज होम इज यहाँ पे दैट होम यहाँ पे माय होम होम यहाँ पे माय यहाँ पे बस खत्म। तो क्या बोल रहा है इसमें भी तो देखेंगे टी मी नो पी नो बी पी नो बी टू बी टू बी ठीक है। तो क्या बोलते हैं राम यहां पे नहीं है इस फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन क्या नो ये इसका कोड हो गया। होम यहां पे कॉमन ये यहां पे कॉमन ये किसका कोड हो गया होम का। टू किसका हो गया माय का। इसको नोटिस करते हैं और इसको नोटिस करते हैं इसमें ये अपने को पता चल गया इज का है ये अपने को पता चल गया होम का है मतलब इज और होम पता चल गया। तो जो बचा हुआ है इसमें एक ही वर्ड तो बचा है क्या बचा है पी तो ये किसका हो जाएगा दैट। तो मतलब यहां पे दैट के लिए कोड क्या आ गया पी ठीक है। तो अब इसको लिखने में मतलब यार देख लो कितना टाइम लेगा ज्यादा 30 सेकंड इससे ज्यादा तो नहीं खराब हो गए ना यार आप कितनी फास्ट लिखो यहाँ पे तो मेरे आदमी मार्कर है और मैं ऐसे बोर्ड पे लिख रहा हूँ जब आपके पेन और पेपर रहेगा तो कितनी फास्ट नहीं लिख पाओगे। और कितनी छोटी ट्रिक है पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगती है करने में क्योंकि इससे बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोग ने ये आज खत्म किया कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। सो गाइज प्लीज वॉच द वीडियो लाइक इट शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मोस्ट एंड मोर थैंक यू।